तीन मंदिर ऐसे होते हैं जिन मंदिर की चौखट पर लात रखने से पहले लांगना चाहिए, अर्थात चौखट पर पांव नहीं रखना चाहिए। देवताओं में तीन मंदिर ऐसे, एक शंकर मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में जब आप प्रवेश करें, जैसे हॉल जीनेस चढ़े हॉल आ गया, हॉल में जाओगे तो उससे मतलब नहीं है, पर भगवान जिस गर्भगृह के अंदर विराजमान है, भगवान जिस छोटे से कमरे में गर्भगृह के अंदर विराजमान है, उसकी चौखट पर लात नहीं रखना चाहिए। चौखट सीधा पांव लेकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस चौखट पर मणिभद्र का स्थान होता है, मणिभद्र वहां पर विराजमान होता है। एक शिव मंदिर की चौखट जिस पर लात नहीं रखी जाती, लांग कर अंदर जाया जाता है, मणिभद्र। दूसरा, भगवान दत्त की चौखट। दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो चौखट पर लात ना रखें, लांग कर अंदर प्रवेश करें। और तीसरा, पांडुरंगा हरिविठ्ठल। पांडुरंगा हरिविठ्ठल पंडरपुर में जो हरिविठ्ठल का मंदिर है, या पंडरपुर से ही मतलब नहीं, अगर हरिविठ्ठल का मंदिर पूरे भारत में जहां कहीं पर भी विठ्ठल नाथ का मंदिर होगा, उनकी चौखट पर लात नहीं रखकर अंदर प्रवेश करना। अंदर प्रवेश क्यों? ये तीन जगह पर तीन मांगे गए हैं। मणिभद्र ने शंकर जी से मांगा था कि मैं आपकी चौखट पर विराजमान रहूं, दुनिया के जो भी आए उनका दुख सुख मैं आप तक पहुंचाऊं, बस इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए, मणिभद्र को वर दे दिए। दूसरे नंबर पर थे संत नामदेव जी महाराज, जिन्होंने हरि विठ्ठल से कहा था कि मेरे जब प्राण छूटे तो मेरी समाधि, मेरी साधना आपकी सीढ़ी पर, आपकी चौखट पर ही हो। वहां नामदेव जी विराजमान हो गए, दत्त। स्वयं कपिल बाबा ने स्मरण किया है दत्त का, आपकी चौखट पर निज भाव विराजमान हो। राष्ट्र में तीन जगह ऐसी है, शंकर के किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करें, चौखट पर पांव ना रखें, आप प्रवेश करिए, अंदर जाइए। और शिव मंदिर का सबसे पहला दर्शन होना चाहिए शिखर का, मंदिर में पहुंचने से पहले सर्वप्रथम शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, दूसरे नंबर पर चौखट का दर्शन, फिर अंदर पहुंचे नंदीश्वर का स्मरण, फिर अंदर जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग को छूने से पहले, शिवलिंग का स्पर्श करने से पहले, शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी है जिसमें शंकर भगवान की पांच बेटियां विराजमान रहती हैं, जया, विशहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, उस जलाधारी में भगवान शिव की पांच बेटियों का स्थान होता है, उस कमंडल का स्पर्श होना चाहिए। उसका स्पर्श